2024 for Gemini, फॉर जेमिनाय तीन खास प्लान गुरु शनि और राहु कहते हैं जहां गुरु की दृष्टि वहां अमृत की वर्षा जहां शनि की दृष्टि वहां जिम्मेदारियां और जहां राहु वहां ऑब्सेशन। ये तीन प्लान आपके कुंडली में 2024 में कहाँ बैठे हैं इसकी चर्चा करते हैं लेट्सेंड ट्वेंटी 2024 इज गोइंग टू बी फॉर जेमिनाय असेंडेंस तो यहाँ पे गुरु जो है आपके कुंडली में अप्रिल तक ग्यारहवें भाव में बैठे हैं ग्यारहवा भाव गेंस का भाव है तो अप्रैल तक आपका समय बहुत अच्छा है अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं आप हायर इनकम की तरफ जाना चाहते हैं तो अप्रैल तक आपके लिए ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव टाइम है बहुत से लोग उनकी मंगनी भी हो सकती है उनकी शादी भी हो सकती है टिल अप्रैल और जिनकी मंगनी जिनकी एंगेजमेंट हो रखी है और उनकी शादी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होनी है देन बी वेरी केयरफुल बिकॉज आफ्टर अप्रैल वेन जुपिटर मूव इन टू योर ट्वेल्थ हाउस यू विल स्टार्ट टू सी प्रॉब्लम्स इन योर लव अफेयर you will start to see problems or challenges related to your children you will start to see ki agar aapki kahi pe engagement hui hui hai to wahan pe bhi koi choti choti baaton se problems khadi ho sakti hain so be very watchful of your relationship as you move forward into this year bahut se log jinke spouse uh, नौकरी कर रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं उनके spouse के लिए बहुत से opportunities खुल जाएंगे even to move abroad or to travel abroad even in terms of work. पोस्ट अप्रैल शनि की बात करें तो शनि आपके भाग्य के कारक और आपके आठवें भाव के कारक हैं और वो आपके भाग्य के हाउस में बैठेंगे पूरे 2024 तक ये आपके लिए एक अच्छा योग क्रिएट करेंगे यहाँ पे बैठे हुए ये आपके भाग्य की उन्नति करेंगे गेन्स बहुत लेके आएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सामने कॉम्पिटिशन टिक नहीं पाएगा लीगल केसेस वगैरह हैं तो इसमें भी आप बहुत आराम से लीगल केसेस को इस साल सुलझा सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स कैन हैपन खर्चे भी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे राहुल आप आपके, आपके जो uh, प्रोफेशनल कर सकते हैं इन वेरी गुड वे बट राहुल थोड़ा सा ट्रिकी प्लानिट है कोई भी आप ऐसा गलत काम ना करे जिसके वजह से काम में आपको कोई डिफेमेशन आ सके यू जस्ट है Put in a lot of hard work bring new areas into your life which you can imbibe in terms of learning new skills aur और फिर आप देखेंगे कि ये साल आपके लिए एक बहुत बड़े बदलाव का साल होगा in a very good way professionally. In terms of your mantras, पूरे साल आप गणेश मंत्र जरूर करें विच इज ओम गण गणपत Namaha. इसके साथ साथ अगर शादी में प्रॉब्लम आ रहे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो विष्णु जी का मंत्र या बृहस्पति देव का मंत्र भी करें चार और छह मुखी रुद्राक्ष पहने जो बुध और शुक्र का रुद्राक्ष है आपको बहुत फायदा होगा और एक ब्लू टर्कॉइज ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहन ले क्रिस्टल का और अपने वर्क डेस्क पे ग्रीन एवेंचरीन रख ले फॉर ओपनिंग मेनी मेनी ऑपरचुनिटीज फॉर यू इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये साल आपके लिए मंगलमय हो ओम नमः शिवाय